शोहरत की भूखी सेल्फी क्वीन शादीशुदा निकली। मॉडल कंदील बलोच ने एक नहीं दो शादियां की थी। दुनिया न्यूज मॉडल की दूसरी शादी का निकाहनामा सामने ले आया। कंदील बलोच की कोट अद्दू के इलाके शेख उमर के रिहायशी आशिक हुसैन से शादी, 8 साल का बच्चा भी है। ये ब्याह सिर्फ 1.5 साल चल सका। मॉडल ने खुला लेकर मुल्तान और डीजी खान के दारुल अमान में पनाह ले ली। दुनिया न्यूज ने शादी की तस्वीर भी हासिल कर ली। आशिक हुसैन का कहना है कि कंदील ने उससे दूसरी शादी की, बड़े घर, गाड़ी और बेजा फरमाइशों के बायस शादी चल न सकी। का पहला ब्याह शादन लुंड के रिहायशी शाहिद इकबाल से हुआ। कंदील बलोच आज पूरी सोशल मीडिया के नाम से जानी जा रही है, ना तो ये बलोच है और ना ही से है। मेरा एहतजाज भी यही है कि ये अपने नाम के साथ, ये मेरी सबका बीवी है, आज से 13 साल पहले इसने मेरे साथ कोर्ट मैरिज किया था और कोर्ट मैरिज के भी मेरे पास डॉक्टर, तो मेरा एहतजाज है कि ये अपने नाम के साथ बलोच कौम का जो लकब इसने अपना इस्तेमाल किया है, हमें, हम बलोचों को जो ये खराब कर रही है ना, ये अपने नाम के साथ ये चीज हटाए। तो एक माड़ा फैमिली से इसका ताल्लुक है, ये माड़े हैं, छोटे, मकसद है कि इनका तो बलोच नस्ल से कहीं सिजरा ही नहीं मिलता। दूसरी शादी के निकाह नामे में कंदील ने खुद को कमारी जाहिर किया। ये हर बंदे नाल ही फराड करनी पिए, हर बंदे नाल आ गए, उन्हें बहुत सारा नुकसान की रही है। मेरा 5-7 लाख रुपए का नुकसान था, पिछो पहले शादी की थी जिन नाल उनका भी नुकसान था। कंदील बलोच ने आशिक हुसैन से शादी का एतराफ कर लिया है। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में मॉडल का कहना था, जबरदस्ती शादी की गई, बच्चा साथ नहीं रख सकती। मैं बच्ची ऐसे बंदे के साथ शादी कर दी जो ना पढ़ा लिखा था। शादी के बाद ये बंदा मेरे ऊपर जुल्म करता था, मुझे मारता था। जबरदस्ती की शादी है, जबरदस्ती वाले बच्चे पे मैं नहीं समझती। रोजी का बच्चा वो उसी के पास ही रहा। मॉडल गुफ्तगू के दौरान आप दीदा हो गई। उसका कहना था, जब उसने एक मकाम हासिल कर लिया है तो प्रोपेगंडा शुरू कर दिया गया।